हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, लॉकडाउन स्टोरीज का आज का जो हमारा रेसिपी है वो है सोयाबीन की करी। दोस्तों, इस डिश की जो खास बात है वो ये है कि इसको भी हम प्याज और लहसुन के बिना बनाएंगे और इसमें हम डालेंगे दही और टोमेटो केचप का पेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए कैप्सिकम इस तरीके से कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च कटा हुआ, धनिया हमने लिया है गार्निशिंग के लिए, थोड़ी सी हम बटर यूज़ करेंगे और ये अदरक कटा हुआ थोड़ा सा, ये है चीनी जिसको हम स्वादानुसार यूज़ करेंगे और नमक, और इस ये है दही और टोमेटो केचप। इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे बिल्कुल भी। सोयाबीन को हमने पहले से गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, उसको हमने निचोड़ लिया है। अब इस तरीके से सोयाबीन हमारा रेडी हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार, देख सकते हैं आप, सोयाबीन हमने गर्म पानी में पहले भिगोया था, उसके बाद उसको निचोड़ के हमने नमक मिक्स किया है। इसके बाद हम डाल रहे हैं कॉर्नफ्लावर, इसको अब हाथ से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सभी सोयाबीन में कॉर्नफ्लावर की अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, इसको भी मिक्स करेंगे इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों इसको हम तल लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसके बाद तेल भी गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन। इस तरीके से सोयाबीन को हम इसमें तल लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से सोयाबीन को डालना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें बहुत जल्द कुकिंग करना है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये हो जाने के बाद दोस्तों फिर से कढ़ाई को गर्म करके उसमें थोड़ा सा बटर ले लीजिए, एक चम्मच, करीब एक चम्मच बटर को गरम कर लीजिए और उसके बाद उसमें डाल दीजिए, बटर गल जाने के बाद उसमें डाल दीजिए हरी मिर्च जो हमने लिया था कटा हुआ वो। उसके बाद हमने डाला है तेज पत्ता, उसके बाद कैप्सिकम डाल रहे हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। इस तरीके से इसको हम सॉटे कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे कैप्सिकम को पकने में आसानी होगी। दोस्तों, पहले हमने जो अदरक कटा हुआ लिया था वो हम अभी डाल देंगे और इसको भी सॉटे करेंगे। इस तरीके से इसको सॉटे कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। अब हम इसमें जो सोयाबीन हमारा पका हुआ था उसको डाल देंगे और फिर इसको सॉटे कर लेंगे। और फिर हमारा जो दही और टोमेटो केचप का पेस्ट था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रखिएगा, नहीं तो वो जल जाएगा। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक कप पानी, फिर इसको हम ढक देंगे कवर से। दो से तीन मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे। देखिए, ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। इस तरीके से पानी भी इसका कम हो गया है। इसको हमने धनिया से गार्निश भी कर लिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, खाने में भी ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।